दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं खोज एवं खोजकर्ता से संबंधित 25 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, छोटी वीडियो रहेगी, इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। और 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन हम दिन में 12-13 घंटे यूज करते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। जल्दी से ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मार्टिन कूपर ने दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी यही आंसर बताया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, वायरलेस जो वॉकी टॉकी होते हैं इस प्रकार से, वायरलेस जो है दोस्तों ब्लूटूथ हो गया इस प्रकार से, तो वायरलेस का जो आविष्कार है वो किया था मार्कोनी ने। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। तो कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे माना जाता है, आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। हर एक क्वेश्चन में 3-4 सेकंड में इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। तो देखिए, कंप्यूटर का जो जनक है दोस्तों वो है चार्ल्स बेबेज, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। और देखिए, जो भी मैं इस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ आपको, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं पहले, जैसे कि NTPC और SSC में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल इन्होंने आविष्कार किया था दोस्तों टेलीफोन का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों एवांगेलिस्टा टोरी सेली, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है, इस मास्टर PDF का जो ऑफर है दोस्तों वो समाप्त होने वाला है। ₹500 की ये PDF में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, GK और करंट अफेयर 2023 सब कुछ मिल रहा है मात्र ₹150 में। यानी कि अगर आप इस PDF को अभी परचेज करते हैं तो जो मैंने बोला है सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगी दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस PDF की। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तो राइट आंसर रहेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन गन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर रहेगा जेम्स पकल द्वारा, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर, यह भी याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, LED का आविष्कार किसने किया। देखिए, LED का आविष्कार किसने किया दोस्तों, राइट आंसर इज निक होलोनिक ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर, यह भी आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी रेजर का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किया था जिलेट ने, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है।
दसवां क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा एनरिको फर्मी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दसवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। ग्यारहवां क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया? सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहना, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में शेयर कर देना। डेली देखे 2:30 बजे ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, किसी न किसी अलग टॉपिक पर 25-30 क्वेश्चन आपको कवर कराता हूँ, तो अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो टॉपिक वाइज आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। राइट आंसर क्या रहेगा? बैटरी का जो आविष्कार है दोस्तों वो किया था किसने? वोल्टा ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा ग्यारहवें क्वेश्चन का सही उत्तर। बारहवां क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है दोस्तों वो माना जाता है ग्राम बेल को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा बारहवें क्वेश्चन का सही उत्तर। तेरहवां क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किया था रेडोल्फ ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तेरहवें क्वेश्चन का सही उत्तर, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्कूटर के आविष्कारक हैं, स्कूटर के आविष्कारक कौन है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा ब्रोडसा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार मेरे प्यारे दोस्तों किसने किया था? तो राइट आंसर इज जे एल बेर्ड ने, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 16वां क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया दोस्तों? राइट आंसर क्या रहेगा? थॉमस एल्वा एडिसन ने। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा जे रॉबर्ट ओपन हिमर, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए एक्सरे का जो आविष्कारक है वो है दोस्तों रोंटजन, यानी कि राइट आंसर इज बी, याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, जिन्होंने खोज की थी दोस्तों डायनामाइट की, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक मेरे प्यारे दोस्तों कौन थे? वॉटरमैन, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो राइट आंसर इज एडवर्ड टेलर ने, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये भी याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, पारद थर्मामीटर का आविष्कारक किसने किया था? फेरेनहाइट इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें, इनमें से आपको बताना है गलत कौन सा मैच है। तो पहला इसमें से दोस्तों मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार नहीं किया था, तो यही गलत है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाकी ये तीनों करेक्ट लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था?
नॉल और रुस्का ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा फ्रैंक वेटले ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 25 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है, ये अपना टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग करिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF मिलना स्टार्ट होगी, यूट्यूब की कई फ्री PDF मिलना स्टार्ट होगी। 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है, इस मास्टर PDF में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, स्टैटिक GK भी मिल जाता है, करंट अफेयर 2023 भी मिल जाती है। यानी कि अगर टोटल कॉम्बिनेशन में बताऊँ आपका, इसमें 8600 क्वेश्चन मिलेंगे, 6000 क्वेश्चन की एक अलग PDF और 1000 और 1600 क्वेश्चन की एक अलग PDF मिलेगी आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो प्राइस अभी ऑफर चल रहा है, 500 रुपये के PDF है, मात्र 150 रुपये में सारी चीज़ें मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। PDF ले कैसे सकते हैं, या तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज करिए कि मास्टर PDF का लिंक भेज देना हमें, तो लिंक मिलेगा, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हमने मास्टर PDF का, उस पर आपको क्लिक करना है, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जाइए 150 रुपये पेड करिए और PDF डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। PDF नहीं मिलती है तो इसी WhatsApp नंबर पे हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको WhatsApp पे PDF मिल जाएंगे। सिंपल है सारी चीज़ें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। और ये ऑफर दोस्तों 15 अगस्त तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद में आपका ऑफर समाप्त हो जाएगा। बाद में नहीं कहना है सर प्राइस अभी बढ़ गए हैं या PDF फ्री नहीं मिल रही है, ये बात वो बात, ये सारा ऑफर खत्म हो जाएगा। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए।